हाल ही में ब्रिटिश ब्रांड लोटस, जो कि अपनी सुपर फास्ट सुपर कार्स के लिए जाना जाता है, उसने इंडिया में एंट्री की है। और इंडिया में एंट्री के साथ साथ उनका जो पहला प्रोडक्ट है वो है एक इलेक्ट्रिक एसयूवी, जो कि आज हमारे साथ है, लोटस की इलेक्ट्रिक आर। अब लोटस एज अ ब्रांड इंडिया में नया है, क्या इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लोटस ऑफर करता है, फीचर्स किस तरह के इस इलेक्ट्रिक आर में देखने को मिल रहे हैं, किस तरह की रेंज इस इलेक्ट्रिक आर में देखने को मिल रही है, और क्या परफॉर्मेंस इस गाड़ी से निकलता हुआ दिखाई देता है, बात करने वाला हूं मैं उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे धांसू और नॉर्थ सुधांसु एलिमेंट्स, क्या लगे मुझे इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कुछ इस तरह से इसकी ये चाबी दिखती है इस लोटस इलेक्ट्रिक आर की। बट शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से, क्या ऑफर लोटस अपनी इस कार में कर रही है। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन जो है एसयूवी है, स्पोर्टी है, शार्प है। जो एजेस आप देख रहे हैं, जिस तरह से शार्प एजेस इसके फ्रंट में देखने को मिल रहे हैं, तो मामला काफ़ी स्पोर्टी ज़रूर लग रहा है। एंड यहाँ पर DRLs आप देखेंगे, काफ़ी देखने में खूबसूरत ये ज़रूर लग रहे हैं। एंड नीचे की तरफ इसके हेडलैम्प्स दिए गए हैं, अडैप्टिव मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स इसमें देखने को मिलती हैं। एंड अडैप्टिव हेडलाइट्स के साथ साथ नीचे जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इस की से मैं इसको प्रेस करूँगा, देन दिस ग्रिल विल स्टार्ट रिएक्टिंग, क्योंकि ये अडैप्टिव ग्रिल इसमें दी गई है। यानी कि गाड़ी में जिस तरह की कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ये ग्रिल उस हिसाब से ओपन या क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल सिर्फ फ्रंट में इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। देन बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन, कार्बन फाइबर एलिमेंट्स यहाँ पे इसके स्किड प्लेट में देखने को मिल जाते हैं। एंड पियानो ब्लैक का कॉम्बिनेशन स्किड प्लेट में भी नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी अग्रेसिव ज़रूर देखने में लग रही है। एंड सेंटर में ऑफकोर्स ये बड़ा सा लोटस का बैजिंग देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद जो इसका फ्रंट है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, अराउंड 46 लीटर्स का स्पेस इसके इस फ्रंट में दिया गया है। चार्जर अभी फ़िलहाल इसका रखा है, तो ये थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पर भी इसमें देखने को मिल जाता है। देन ऊपर पूरा आप ये कवर्ड पैनल इस पर यहाँ पर देखने को इसमें दिया गया है। एंड पाइनियर सिंस 1948 की बैजिंग इसमें यहाँ पे दी गई है। तो मामला कुछ फ्रंट एंड में इस तरह से देखने को मिलता है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें, तो अब टायर्स का जो साइज़ पे दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड है, 22 इंच 275 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में इसमें देखने को मिल जाते हैं। कार्बन फाइबर एलिमेंट्स इसके अलॉय व्हील्स में, अलॉय व्हील्स में भी अलग डिज़ाइन के ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। सेंटर में लोटस की ब्रांडिंग एंड जो ब्रेक कैलिबर्स हैं वो भी लोटस की बैजिंग साथ आते हैं। एंड ब्रेक कैलिबर्स में भी आपको अलग अलग कलर का ऑप्शन इसमें चूज़ करने के लिए दिया गया है। एंड ऑल्सो अगर आपको सिरामिक ब्रेक्स चाहिए तो वो भी आप इस पर लगवा सकते हैं। जैसा पैसा वैसा सामान इस लोटस में कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला है। एंड कार्बन फाइबर फील यहाँ पर इसके हुड में यहाँ दी गई है। एंड जो साइड मिरर्स हैं वो भी कार्बन फाइबर एलिमेंट के साथ इसमें देखने को मिल जाते हैं। कैमराज आपको थ्रू आउट इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो साइड में कैमरा देख रहे हैं, नीचे भी कैमरा दिया गया है। दिस इज़ दी चार्जिंग पोर्ट, एंड इसको आप यहाँ से तो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अंदर से भी इसको ऑपरेट करने का ऑप्शन दिया गया है विद द टच ऑफ अ बटन। स्क्रीन पे जो ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो वेरियंट है, इसमें लाइडार्स भी देखने को मिल रहे हैं, दो साइड में दिए गए हैं, एक ऊपर देखने को मिल रहा है, एक पीछे की तरफ भी इसमें लाइडार दिया गया। एक्चुअली लाइडार्स का जो यूज़ होता है इंटरनेशनली, दैट इज़ फॉर मेनली फॉर ऑटोनोमस ड्राइविंग, लेकिन इंडिया में दैट इज़ नॉट लीगल राइट नाउ। तो अभी फिलहाल इनका यूज़ सिर्फ पार्क असिस्ट जैसी भी फीचर्स के लिए ही इसमें करा जाएगा, लेकिन ऑटोनोमस ड्राइविंग वाला फीचर इसमें डीएक्टिवेटेड है। इंडिया में जो वेरियंट्स इसके आने वाले हैं, देन साइड प्रोफाइल वही बॉडी कलर प्लस पियानो ब्लैक, एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी सॉर्टेड इस गाड़ी में थ्रू आउट फील हो रही है। कहीं भी किसी तरह की कमी इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। देन एसयूवी वाला फील भी जो है, जिस तरह का इसका डायमेंशन है, तो वो प्रॉपर स्टांस साइड प्रोफाइल से भी इसका वो एसयूवी वाला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देन पियानो ब्लैक स्पॉयलर पीछे की तरफ जाता हुआ, एंड ऑल्सो यहाँ पर इस पर एक्टिव विंग दिया गया है, जिसको मैं गाड़ी को एक बार अनलॉक करता हूँ तो एक बार ऑपरेट करता है, तो वो भी एक फीचर यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक्टिव विंग दिया गया है इसमें, एंड ये यहाँ पे कार्बन फाइबर एलिमेंट इसके ऊपर विंग के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड कनेक्टेड टेल लाइट है, एंड जो टेल लाइट इंडिकेटर सभी काम करती है। एंड आई थिंक जब ये गाड़ी चार्ज भी होगी तो यहाँ पर एक लाइट भी आती है, जिससे चार्जिंग कितनी हुई है थोड़ा उसका भी अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है। एंड लोटस की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, वही पियानो ब्लैक
कॉम्बिनेशन के साथ इसमें जो दी गई है। एंड लाइडर जो मैं पीछे की बात कर रहा था, तो एक लाइडर यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड इन लाइडर्स को जो है आप सेल्फ क्लीन यानी कि इनमें वॉशर भी दिए गए हैं, तो विद द प्रेस ऑफ अ बटन अंदर कैबिन में बैठकर आप इनको वॉश भी कर सकते हैं अगर एक गंदे हो जाए इन केस। तो ये भी एक फीचर यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है। तो मामला कुछ ये है इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 187 मिलीमीटर का मैक्स ग्राउंड क्लियरेंस में देखने को मिलता है। अब इसमें जो है एक्टिव एयर सस्पेंशन दिया गया है, तो जो हाइट है, जो मोड्स इसमें दिए गए हैं, इसकी हाइट जो है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। आप मैनुअली भी वहाँ से कर सकते हैं अगर इसकी हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है। तो अब इन टर्म्स ऑफ कैबिन, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, किस तरह का फील इसके अंदर है, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब इस इलेक्ट्रिक आर के कैबिन की बात करें तो बैठते ही सबसे पहले यहाँ पर इसका ये 15 इंच का स्क्रीन दिया गया है, जो कि गाड़ी जब लॉक होती है तो इट टिल्ट्स डाउन, लेकिन जब अंदर बैठते हैं एंट्री के टाइम पे ये ऊपर की तरफ जिस तरह से इस एंगल में देखने को मिलता है। एंड काफ़ी बड़ा स्क्रीन यहाँ पर इसमें दिया गया है 15 इंच का, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। बट पहले कुछ इंटीरियर कैबिन फील किस तरह का है उसकी बात करते हैं, फीचर्स की बात करेंगे। यहाँ पर लेदर स्टिच थ्रू आउट आपको ये सॉफ्ट टच के साथ देखने को मिल रहा है, विद ग्रीन या कहें कि नियॉन स्टिचिंग इसमें दी गई है। एंड यहाँ पे छोटा सा डिस्प्ले इधर भी दिया गया है स्क्रीन, जो पैसेंजर है फ्रंट पैसेंजर उसके लिए भी यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आए नीचे की तरफ तो मामला वायरलेस चार्जिंग, एसी वेंट्स कंट्रोल करने का, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है। एंड ऑल्सो एक बटन और सेंटर में दिया गया, मैं इसको प्रेस करूँगा तो वहाँ पर इसका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। प्रेस करते ही आप देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, तो खोलने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया, बट बंद करने के लिए आपको डू इट फिजिकली। देन इसके अलावा 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पर, एंड साइड में क्रोम टच देखने को मिल रहा है। सो प्रीमियमनेस बैठते ही आपको गाड़ी में फील होगा। एंड जो एसी वेंट्स हैं उसके आसपास भी वही क्रोम एलिमेंट देखने को यहाँ पर सेंटर में मिल जाता है। एंड एम्बिएंट लाइटिंग थ्रू आउट आप देख सकते हैं इस गाड़ी में दी गई है। एंड सॉफ्ट टच प्लस लेदर जो कॉम्बिनेशन अभी फिलहाल इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स प्रीमियमनेस एंड स्पोर्टी साथ साथ जरूर इंटीरियर बैठने के बाद इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके 15 इंच के स्क्रीन पर। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो फीचर्स की बात करूँ तो व्हीकल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसपेरेंसी वाला एक ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको ऑफ करूँगा। अब वो काम क्या करता है, इसकी सनरूफ जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको कम करना चाहता हूँ। अगर धूप कम है, मौसम अच्छा है, आपको बाहर का नज़ारा देखना है, तो आप उसको कम कर सकते हैं, तो थोड़ा बेटर ट्रांसपेरेंसी उसका वहाँ पे हो जाएगा। एंड बढ़ाएंगे एंड इट वर्क्स वेरी फास्ट। अमूमन एक दो और प्रीमियम गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में मैंने फीचर देखा है, बट थोड़ा सा डिले वहाँ फील होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन इसके इस फीचर का देखने को मिल रहा था। इसके अलावा और फीचर बात करूँ, ऑटो होल्ड, ESC ऑन ऑफ, TPMS, ये सब फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। एंड स्टीयरिंग जो है वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली आप टेलीस्कोपिक और टिल्ट, ये सब फीचर इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको वो सेटिंग सेव करनी है तो यहाँ पे उस प्रोफाइल में, अगर आपको प्रोफाइल आपकी है तो वहाँ पे उस हिसाब से आप उसकी सेटिंग सेव कर सकते हैं। तो जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे तो उस सेटिंग के हिसाब से आपकी उस प्रोफाइल में स्टीयरिंग सेम पोजीशन पर वापस आ जाएगा। मैंने सेव कर लिए। देन लाइट में यहाँ पे एक ऑप्शन दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स चेंज कर सकते हैं आप, ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अडैप्टिव फ्रंट लाइट, उसको ऑन ऑफ करना है, वो भी ऑप्शन है। ड्राइव मोड में जाएंगे तो 5 मोड इसमें दिए गए हैं, ट्रैक, स्पोर्ट, टूर, रेंज, ऑफ रोड मोड। तो ये इन टर्म्स ऑफ मोड इसमें दिया गया है। एंड एक इंडिविजुअल मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे जो है, जो इसका एक्टिव एयर सस्पेंशन है, उसकी हाइट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब आप मोड चेंज करेंगे तब तो ऑटोमेटिकली होगा ही, लेकिन मैनुअली भी यहाँ से आपको एडजस्ट करने का, इसकी हाइट कम ज़्यादा करने का गाड़ी का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट फीचर, जो कि है सेफ्टी को लेकर। अब सेफ्टी को लेकर इसमें ADAS वाले कुछ फीचर्स दिए गए हैं, वो भी एज ए पैकेज अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप ले सकते हैं। ड्राइवर असिस्ट का ऑप्शन है, लाइडर यहाँ से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं, हालांकि जो ऑटोनॉमस वाला जैसे कि मैंने बताया वो फीचर नहीं है, लेकिन आपको वो पार्क असिस्ट मदद करेगा। ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इंडिया में ऑफ ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, डोर ओपन वार्निंग, फटीग डिटेक्शन, ये सब कुछ फीचर्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, जो आप यहाँ से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन साउंड सेटिंग के ऑप्शन हैं, डिस्प्ले सेटिंग के ऑप्शन कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड HUD डिस्प्ले भी इसमें दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको दिखना है। एंड ऑल्सो एक स्नो मोड का ऑप्शन भी है, वो भी यहाँ पे आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स इन टर्म्स ऑफ इसके जो डिस्प्ले है यहाँ पर
देखने को मिल जाते हैं। ये जो है यहाँ पे कुछ 3D व्यू इस गाड़ी का दिया गया है, जहाँ से आप इसके कुछ फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि इसको लॉक अनलॉक करना है, इसका जो रियर विंग है उसको आपको ओपन क्लोज करना है तो वो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इसका जो बूट है वो भी आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, तो वो भी एक फीचर यहाँ दिया गया है। अब आते हैं इसके स्टीयरिंग पर, तो यहाँ पर भी मामला वो हेक्सागनल शेप वाला है, स्पोर्टी है, स्टाइलिश है, लेदर स्टिच है, क्रोम के एलिमेंट्स हैं, एंड सेंटर में यहाँ पे इसका जो क्लस्टर है सो कंट्रोल करने के बटन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो क्लस्टर है, हालांकि स्क्रीन वहाँ छोटा सा ही दिया गया है, बट मिनिमलिस्टिक फील थोड़ा बरकरार रखने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन की बात करूँ तो वहाँ पे आपको रीजनरेशन मोड कौन से में आपको वो आप डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, आप क्रूज कंट्रोल है, स्पीड लिमिट कितनी है जिस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका डिस्प्ले आएगा, एंड देन स्पीडोमीटर एंड रेंज, बैटरी परसेंटेज, कौन से मोड में गाड़ी है वो भी यहाँ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन इसके इस टाइनी से डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है, लेकिन विजिबली काफ़ी अच्छे से है। एंड यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग की बात करें तो लेफ्ट साइड में इसके रीजन मोड्स को आपको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया गया, एंड राइट साइड में आपको इसके ड्राइव मोड चेंज करने हैं तो वो ऑप्शन यहाँ के इसके राइट साइड में देखने को मिलता है। एक और फीचर जो मुझे काफ़ी कूल लगा, इसके जो साइड मिरर्स हैं उनको आपको एडजस्ट करना है तो एक बटन यहाँ दिया गया है, मैं उसको प्रेस करूँगा, देन यहाँ पर स्क्रीन में आएगा राइट मिरर, अगर उसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो आएगा फिर लेफ्ट मिरर, तो वो वाला मिरर एक्टिव होगा, लेकिन उसको आपको शिफ्ट करने के लिए, उसके पोजीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकता हूँ, तो वो सब आपको यहीं से ऑपरेट करना पड़ेगा। काफ़ी कूल लगा, फंक्शन लगा, वहाँ पे आपको आज की ज़रूरत नहीं है, आप स्टीयरिंग पर ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक फीचर इसमें यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा लेदर स्टिच टू आउट केफ का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है, इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, 23 स्पीकर्स के आसपास उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन लोटस अपनी इस इलेक्ट्रिक कार में दे रही है। एंड ये कुछ मामला यहाँ पे है, तो ओवरऑल जो कलर स्कीम है यहाँ पे सीट्स का, जो कलर कॉम्बिनेशन है वेंडेड सीट्स हैं, तो यहाँ पे ये वाइट एंड फैब्रिक को इस्तेमाल किया गया है, देन नियॉन स्टिचिंग अगेन है, देन सेंटर कंसोल जो है यहाँ पे भी वही सेम कलर पैटर्न इस्तेमाल करा गया है, USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, डीप काफ़ी है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर इसके सेंटर आर्मरेस्ट में भी देखने को मिल जाता है इस लोटस की इलेक्ट्रिक कार में। तो मामला कुछ ये है इसकी पहली कतार का, चलते हैं दूसरी कतार में, वहाँ पे किस तरह के फीचर्स हैं, किस तरह की लग्जरी देखने को मिल रही है, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब लोटस की इलेक्ट्रिक कार के इस पिछले कतारों में बैठा हूँ, तो इसमें जो है सबसे पहले एक 5 सीटर वाला ऑप्शन है और एक 4 सीटर वाला ऑप्शन है। 5 सीटर वाला जो है वो स्टैंडर्ड आता है, लेकिन 4 सीटर वाला जो है वो थोड़ा एग्जीक्यूटिव फील के साथ आता है, तो वो आपको अगर चाहिए तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, जैसा पैसा वैसे सामान, तो मामला यहाँ पे भी कुछ ऐसे है। देन यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट काफ़ी चौड़ा है, वाइड है, आराम से दो लोग बैठे हैं तो अपना हाथ रख के यहाँ पे बैठ सकते हैं। देन कप होल्डर्स कुछ इस तरह से हैं, एंड जो फील है यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, एंड मामला कुछ ये है। एंड ऑल्सो नीचे यहाँ पे सेंटर में कुछ सामान रखने की जगह भी, थोड़ा बहुत आपको फ़ोन वगैरह रखना है तो वो भी आप सामान यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसके जो टेम्परेचर सेटिंग्स हैं वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंड सीट एडजस्ट करनी है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट एडजस्टमेंट, राइट एडजस्टमेंट, फ्रंट पैसेंजर जो है उसका भी आप सीट पोजिशन एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है इसके इस छोटे स्क्रीन में। देन मामला इन टर्म्स ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेग रूम, हेड रूम, एम्पल, थाई सपोर्ट मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, अंटिल अनलेस आपको लेग स्प्रेड करने की जगह नहीं है, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो यहाँ पे थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी मुझे फील हो रही है, बट मामला इन टर्म्स ऑफ स्पेस काफ़ी सॉर्टेड यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे भी प्रीमियम फील, क्रोम, पियानो ब्लैक फिनिश थ्रू आउट देखने को मिल रही है इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर के अंदर इस पिछली कतार में। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर के पिछली कतार में देखने को मिल रहा है, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एसी वेंट्स यहाँ पे इसके डीप ब्रेक में भी दिए गए हैं, तो ये कुछ फील है ओवरऑल। बट परफॉर्मेंस की बात करें या फिर इस तरह की गाड़ी जो इस प्राइस की गाड़ी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास इसका एक्स शोरूम प्राइस है, इसका स्टार्टिंग प्राइस है, तो इस प्राइस पे जिस तरह का परफॉर्मेंस, जिस तरह की रेंज एक्सपेक्टेड है, तो वो इस लोटस की इलेक्ट्रिक कार में देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी।
अब बात करते हैं इस ऑल न्यू लोटस इलेक्ट्रिक आर की परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह की रेंज, किस तरह की पावर ये गाड़ी जनरेट करती है। तो बैटरी पैक की बात करूँ तो 112 किलोवाट आर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है, विच इज़ स्टैंडर्ड थ्रू आउट दी वेरियंस, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक एस या फिर ये इलेक्ट्रिक आर। पावर की बात करूँ तो अराउंड 900 bhp के आसपास इसका ये इलेक्ट्रिक आर वाला वर्जन पावर जनरेट करता है, और मैक्स टॉर्क जो है वो है 985 न्यूटन मीटर्स। तो नंबर्स के हिसाब से गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है, तेज तर्रार नंबर के हिसाब से लग रही है, लेकिन परफॉर्मेंस में कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉप स्पीड की बात करें, जो इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज़ 265 किलोमीटर पर आर, और 0 to 100 ये टच करती है मात्र 2.95 सेकंड्स में। नाउ इस नंबर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी तेज तर्रार है, इसका ये इलेक्ट्रिक आर वाला जो वर्जन है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है उसकी पावर है अराउंड 600 bhp के आसपास, और जो इलेक्ट्रिक एस है उसकी पावर भी अराउंड सेम है, एंड टॉर्क भी दोनों में अराउंड 710 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक आ रही है, इनिशियल जो इसका पिकअप है वो आपको एकदम सरप्राइज करने वाला महसूस होगा, जब इस गाड़ी में आप पहली बार बैठेंगे, इस गाड़ी को पहली बार चलाएंगे, एंड स्पेशली जो इसमें ट्रैक मोड दिया गया है दैट विल सरप्राइज यू एवरी टाइम व्हेनेवर यू विल पुट योर फुट ऑन द एक्सीलरेटर। अब इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अलग अलग मोड दिए गए हैं, जिस भी मोड में आप स्विच करेंगे उस तरह का परफॉर्मेंस ये गाड़ी डिलीवर करेगी, एंड उसके हिसाब से गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप है वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। एयर सस्पेंशन इसमें मिलता है, एंड ऑल्सो जो सीट्स की बोस्टरिंग है वो भी मोड के हिसाब से चेंज होगी। अगर आप स्पोर्ट मोड में है, ट्रैक मोड में है, तो बोस्टरिंग आपको अलग देखने को मिलेगी, और जब आप नॉर्मल या कम्फर्ट मोड में है तो वहाँ पर आपको बोस्टरिंग थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। सो ऑलमोस्ट सब कुछ इस गाड़ी में आपको सिर्फ एक टच की मदद से बदलता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक काफ़ी कूल एलिमेंट मुझे इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में देखने को मिला है। अब गाड़ी की जो USPs हैं, जो मुझे लगता है स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है ही, ऑल्सो कम्फर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी गाड़ी किसी तरह से निराश नहीं करती है। सीट्स का जो कम्फर्ट है वो भी अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप जो है इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी परफेक्टली काम करता हुआ दिखाई देता है, चाहे सडन स्पीड ब्रेकर्स हैं या सडन स्पॉट होल्स रास्ते में आते हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी अच्छे से उनको एब्जॉर्ब करती हुई दिखाई देती है, तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में देखने को मिला है। अब जिस साइज़ के इसके टायर दिए गए हैं और जिस तरह की पकड़ उन टायर्स की सड़क पर है, तो वहाँ पर गाड़ी में जो रैटलिंग की नॉइस है, स्पेशली अगर छोटे मोटे पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह सड़क पर हैं, तो ये टायर जो है काफ़ी स्टिकी हैं, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं जब गाड़ी ऐसी सड़क पर चल रही है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत एक फैक्टर लगा। जहाँ पर अगर आप इसको लंबे रास्ते पर चला रहे हैं और आप इस ऐसी सड़क पर चला रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक इरिटेटिंग फैक्टर हो सकता है इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर को लेके, बट अदरवाइज गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी की ड्राइव जो है वो काफ़ी सॉर्टेड फील होती है, गाड़ी सट के चलती है, और स्टीयरिंग फीडबैक भी काफ़ी अच्छा देखने को इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में मिलता है। अब ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, सटीक है, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग मुझे देखने को नहीं मिली है, और जिस तरह की रफ्तार ये गाड़ी पकड़ती है तो उस रफ्तार को काबू में करने के लिए एक अच्छी ब्रेक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर के बारे में। अब 3 crore के आसपास का प्राइस स्टार्ट हो रहा है, एक शोरूम प्राइस है जो आर वाला वर्जन है, हालांकि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक एस का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी आर और एस पे ज़्यादा फोकस लोटस कर रही है। तो पहले जो इसके नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ, इसमें से पहला है इसका जो रियर सीट है, ये 5-seater वर्जन में जो रियर सीट है वहाँ पर थाई सपोर्ट की कमी थोड़ी सी मुझे महसूस हो रही है। आई थिंक मे बी जो इसका 4-seater वर्जन है वहाँ पर थोड़ा बेटर थाई सपोर्ट होगा, बट अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ मामला इस तरह से देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रियर सीट थाई सपोर्ट। दैन दूसरा नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है, अब जो टायर्स का जो साइज़ का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है 20 inch है, 22 इसमें स्टैंडर्ड है, 23 inch का भी ऑप्शन है, और टायर्स की जो ग्रिप, जो पकड़ है सड़क पे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन इंडियन सड़कों की बात करें तो वहाँ पे कभी कभार थोड़ा बहुत बजरी कंकर वगैरह कहीं ना कहीं पड़ा होता है, तो ग्रिप बेहतरीन होने के साथ साथ ये छोटे से छोटा अगर कंकर पत्थर भी सड़क पर आ रहा है तो ये उसको भी पकड़ता है, एंड उसकी वजह से अंदर कैबिन में काफ़ी नॉइज़ क्रिएट होता है। तो अगर उस तरह की सड़क पर ये गाड़ी बैक टू बैक चलती है तो वहाँ पर मुझे लगता है वो साउंड जो आ रहा है कैबिन में वो कुछ समय बाद इरिटेटिंग ज़रूर महसूस कराएगा आपको इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर में। तो सबसे पहला है इसका डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट, स्पोर्टी है, शार्प है और डिस्टिंक्ट देखने में लगता है, क्योंकि
ब्रांड की पहली गाड़ी इंडिया में आई है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन जो है एकदम फ्रेश फील देता है, एकदम नयापन इसको देखने के बाद महसूस होता है। देन दूसरा दांसो एलिमेंट जो जिसके बारे में लगा है वो है इसके कैबिन का ओवरऑल फील। प्रीमियम है, स्पोर्टी है, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो काफ़ी अलग फीचर्स इस लोटस की इलेक्ट्रिक आर देखने को मिलते हैं। देन तीसरा और फाइनल थास एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। स्पेशली आप स्पोर्ट मोड या ट्रैक मोड में हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको ज़रूर सरप्राइज करेगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब एज ए पैकेज की बात करूं तो जिस प्राइस सेगमेंट पे लोटस को लेकर है 3 करोड़ एक शोरूम इसका स्टार्टिंग प्राइस है। आप बहुत से कस्टमाइजेशन इसमें करा सकते हैं एंड उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से जो यूएसपी इस गाड़ी की है वो मुझे लगता है इसका डिज़ाइन है और जिस तरह का कैबिन फील इंटीरियर जो इसमें दिया गया है। पहली गाड़ी है लोटस की इंडिया में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है जो कस्टमर्स एक रिफ्रेश फील जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स हैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट में, उनके अलावा ढूंढ रहे थे और वहाँ पर एक नयापन अपनी उन लग्जरी कार्स, अपनी उन लग्जरी एसयूवीज में एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक वाला विकल्प भी तलाश रहे हैं, तो उस मायने मुझे लगता है लोटस की ये इलेक्ट्रिक कार आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी।